इस बार की वजह से इस बार देवी का वाहन हाथी रहेगा। वैसे तो देवी का वाहन शेर है, लेकिन हर नवरात्रि पर माँ दुर्गा धरती पर अलग अलग वाहन से सवार होकर आती हैं। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से इसका अलग अलग शुभ अशुभ फल बताया गया है। वहीं दशमी तिथि बुधवार को होने से देवी हाथी पर सवार होकर ही वापस जाएंगी। देवी भागवत के अनुसार माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है और बताया जाता है कि देवी का वाहन हाथी होना शुभ रहता है। ऐसा होने से साल भर पानी ज्यादा बरसता है। मां का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक है, जिसकी वजह से देश के लोगों के सुख तथा ज्ञान में वृद्धि होती है और यह समृद्धि का सूचक वाहन है। इससे सुख बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इसीलिए ये नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ रहेगी। इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होगी, जो कि 4 अक्टूबर तक चलेगी। साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें से 2 गुप्त और अन्य 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि कहलाती हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती है। शरद ऋतु में आने वाली इस नवरात्रि में देवी की आराधना से शक्ति बढ़ती है। और अब हम जानेंगे कि आखिर इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की किस तरीके से पूजा करेंगे कि जिससे वो जल्द ही प्रसन्न होंगी। नंबर 1, नवरात्रि में देवी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। नारियल और साड़ी जरूर चढ़ानी चाहिए। सुहाग का सामान और गुड़हल का फूल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 2, 9 दिनों तक व्रत या उपवास करना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है और तप बढ़ता है। नवरात्रि में इस तरह से देवी की आराधना करने से शक्ति और उम्र बढ़ती है। नंबर 3, नवरात्रि में ज़रूरतमंद लोगों और कन्याओं को खाना खिलाने का विधान देवी भागवत में बताया गया है। ऐसा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है।